गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? लार्ज नंबर्स पर आजकल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं आपके साथ, और उस लार्ज नंबर्स में आज हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म के। लास्ट टाइम हमने आपके साथ प्लेस वैल्यू की बात की थी, और उस प्लेस वैल्यू के बाद एक्सपेंडेड फॉर्म किसी भी नंबर को उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए, उसके लिए हमने आपके सामने एक ये प्रॉब्लम लिखा है। तो राइट दिस इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट दिस नंबर 34,657 इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने इसको लिखना। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आप क्या करते हैं, देखते हैं। यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, ये थाउजेंड प्लेस है, दिस इज 10,000 प्लेस। तो जिस भी डिजिट की जो जो पोजीशन है, उस पोजीशन के आधार पर उसको उतनी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपके पास 3, आपके पास कौन सी पोजीशन पर है, आपने बोला 10,000 के प्लेस पर। तो 3 × 10,000, 10,000 में 4 जीरोस होती हैं, तो ये हो गया मेरे पास 30,000। इज इट फाइन? फिर आइए 4 कौन सी पोजीशन पर है, आप बोलेंगे 1000 के प्लेस पर। तो 4 × 1000 वो क्या हो जाएगा, दैट इज 4000। तो थोड़ा सा सोच करके भी लिखना, 4000, राइट। नेक्स्ट इज 6 कौन सी पोजीशन पर है, दैट इज एट द 100th प्लेस। तो 6 × 100 दैट इज 600। नेक्स्ट क्या है, 5 टेंस की पोजीशन पर है, 5 × 10 दैट इज 50। और फाइनली 7 इज एट द 1s पोजीशन, 7 × 1 दैट इज 7। ये आपके पास है। अब इसको अगर हम प्लस करें, ऐड करें, तो क्या ये चीज आ जाएगी, आप बोलेंगे बिल्कुल आ जाएगी। 7 हेयर, 5 हेयर, 6 and 4 and 3 3 4 6 5 7। तो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, सिंपल इनको ऐड कर लें तो वी गॉट दिस। इज इट फाइन? शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा, ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं। और तो दिस इज 3 4 6 5 7। इज इट फैंटास्टिक? राइट। तो ये मेरे पास एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब अगर मैं इसकी एक्सरसाइज को देखूं, आपकी बुक में एक्सरसाइज 2.4 है, और इस 2.4 को अगर मैं देखूं, तो इसमें मुझे फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक गिवन है। मैं आपके सामने लिखता हूं, उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। यह है मेरे सामने क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक करना है मुझे। आपसे बोला गया 7 3 4 9 2 5। अब यहां देखिए, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, और ये लैक। आप देखिए सामने आपके पास लैक, लैक के बॉक्स में आपको 7 फिल करना, 10,000 के प्लेस पर 3, 1000 के प्लेस पर आपको 4, 100 के प्लेस पर 9, टेंस के प्लेस पर 2, और 1s के प्लेस पर मुझको 5 पुट कर दे। तो सिंपल है, आसान है। इस तरीके से बॉक्सेस को देखिए और उनको आप फिल कर दीजिए, उनके अंदर उनकी वैल्यूज को लिख दीजिए। तो अगर आप यहां पर इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी अगर आप लिख दें, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या आ गया ये, अगर मैं इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख दूं, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे, 7 lakh, lakh का मतलब 5 zeros, 3 10,000 यानी 30,000, 4000, 900, 20 एंड देन 5। सिंपल, इसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए, और ऐड करने के बाद वी गॉट द सेम रिजल्ट। यही सेम आंसर मेरे पास ऐड करने के बाद,
ये एक्सपेंडेड फॉर्म आपके पास इसका हो जाता है। इज इट फाइन?